तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेन धारी। जी हाँ, पूर्व सीएम लालू यादव की बेटी ने ये ट्वीट कर सियासी पारा और ज्यादा हाई कर दिया है। और उधर ट्वीट करने के कुछ पलों के बाद ही अब ये ऐलान कर दिया गया है सीएम नीतीश कुमार की तरफ से कि उन्होंने जेडीयू से जो गठबंधन बीजेपी का था उसको तोड़ दिया है। यानी बिहार की सियासी पारा इस वक्त इतना ज्यादा हाई है कि अगर थर्मामीटर से नापा जाए तो वो टूट जाएगा। दरअसल सियासी उलटफेर के कयासों के बीच पूर्व सीएम लालू यादव की बेटी ने जो ट्वीट किया था उसके बाद से ही ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि अभी से लालटेन धारियों की ताजपोशी का सिलसिला शुरू हो चुका है। और आखिरकार वही हुआ, बीजेपी से जेडीयू ने गठबंधन तोड़ दिया है। जी हाँ, अब बिहार में बीजेपी जो है दूसरों के साथ जो कर रही थी वही सामने आ गया, यानी कर्मा इज ऑलवेज रिटर्न। आपको हर हाल में आपका कर्मा कहीं ना कहीं आकर मिलता ही है। बीजेपी अब ऐसे अकेले पड़ गई है जिस तरीके से कोई परिवार में अगर सबको ही छोड़कर चला जाता है तो शख्स अकेला रह जाता है, उस तरह के हालात अब बीजेपी के बिहार में हो गए हैं। दरअसल लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर ये बता दिया कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेनधारी। और इसके साथ ही गठबंधन खत्म होने का ऐलान हो जाता है। और अब ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि कल ही ये जो शपथ ग्रहण है यानी राज तिलक होने वाला है, सीएम वही रहेंगे लेकिन सरकार जो है वो नई बन गई है। और उसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि अब उप मुख्यमंत्री खुद तेजस्वी यादव होने वाले हैं। जी हाँ, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री होंगे। और इसके साथ ही कई और बड़े नेता जो हैं लगातार जो विपक्ष के थे उनके चेहरों को मंत्री पद दिए जाने की खबरें सुर्खियों में बनी हुई हैं। दोस्तों, रोहिणी आचार्य ने जैसे ही ये ट्वीट किया और उसके कुछ वक्त के बाद ही इस तरह से फैसला आ जाना अपने आप में ही बिहार की अलग ही सियासत की कहानी लिख रहा है। दोस्तों, जब राज्य की राजनीति में बड़े उलटफेर की चर्चा है, ये भी नीतीश कुमार किसी भी वक्त जो है बीजेपी का गठबंधन तोड़ने वाले थे, तब ये जो है ट्वीट किया गया और आखिरकार ऐलान हो गया आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर अब सरकार बनेगी। कांग्रेस और लेफ्ट दलों ने राजद नेता तेजस्वी यादव को समर्थन का पत्र भी सौंप दिया है। नीतीश कुमार अब 4 बजे राज्यपाल से मिलने का जो वक्त है वो तय कर चुके हैं और 4 बजे वो अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप सकते हैं और कल ही नया जो बिहार की राजनीति पारी है वो शुरू हो जाएगी। अब यहां पर ये देखिए, 6 करोड़ का ऑफर, मंत्री पद का ऑफर बीजेपी की तरफ से, ये सारे जो पुख्ता सबूत है वो आरजेडी की तरफ से दिए गए और जो मीटिंग हुई थी आरजेडी की उसमें बाकायदा सबूत दिखाए गए कि बीजेपी ने ऑडियो जो रिकॉर्ड करके भेजा था कि 6 करोड़ का ऑफर मिलेगा, मंत्री पद मिलेगा, उन सभी को दरकिनार करते हुए बिहार के नेताओं ने यह साबित कर दिया जो आरजेडी के नेता हैं कि उन्हें किसी लालच, जो शाम दाम दंड भेद की राजनीति जो बीजेपी कर रही है, जिस तरह से सरकारें गिराने का सिलसिला वो कर रहे थे, आज वही चीज उनके साथ हो गई है। बीजेपी पूरे गढ़ में अकेली रह गई है। और इससे पहले आपको बता दे, एआईएम का पूरी तरीके से सुपड़ा जो है वो वहां पर साफ हो चुका है। अब वहां पर आरजेडी और नीतीश कुमार मिलकर सरकार बनाने वाले हैं। इससे पहले आपको बता दे, नीतीश कुमार ने आज पटना में ही अपने आवास पर विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई थी। बैठक के बाद ये बड़ा फैसला लिया। उधर आरजेडी ने भी अपने सांसदों विधायकों की बैठक बुलाई। कांग्रेस के विधायक भी तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे थे। बीजेपी ने इस मामले में अब तक चुप्पी साध रखी थी, वेट एंड वॉच की स्थिति में थे और अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि जदयू नेताओं के साथ मुख्यमंत्री जो है और उसमें तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे, वो राजभवन जाएंगे। राजभवन के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग भी कर रखी है, भारी पुलिस फोर्स भी तैनात कर दिया गया है। इधर राजद, कांग्रेस और वाम दलों ने नीतीश सरकार को समर्थन देने के लिए पत्र पूरी तरह से तैयार कर रखा था जिसका अब आधिकारिक तौर पर ऐलान हो चुका है। इसी बीच कांग्रेस विधायक, आपको बता दें, शकील अहमद खान ने कहा है कि नीतीश कुमार महागठबंधन
गठबंधन के मुख्यमंत्री होंगे। सब कुछ तय हो गया है, उम्मीद है कि कल शपथ ग्रहण भी हो जाएगा और नई पारी की शुरुआत उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि सियासी उठापटक के बीच में जो बड़े अपडेट्स रहे हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। दरअसल राजद विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव समर्थन पत्र सौंपने के लिए कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आवास पर पहुंच जाएंगे, जिसके बाद जो है तेजस्वी यादव करीब जो है 111 विधायकों का समर्थन पत्र उन्हें सौंपेंगे। सूत्रों के मुताबिक नई सरकार के गठबंधन से पहले तेजस्वी यादव ने गृह मंत्रालय की मांग की है। गृह मंत्रालय अभी तक नीतीश के पास ही रहा है, सीएम नीतीश के पास, उन्होंने कभी भी किसी को भी गृह मंत्रालय नहीं दिया है। इसके मुताबिक आपको बता दें कि ये जो है बड़ा जो पेच है ये जो है शायद ऐसा बीच में आ सकता है या नहीं आ सकता है। फिलहाल इस तरीके की कोई भी खबरें निकल कर सामने नहीं आ रही हैं, क्योंकि अगर नीतीश ने मान लिया होगा ये चीज तो अब तक अगर नहीं मानी होती तो निकल कर सामने आ जाती। फिलहाल पूरी तरीके से जो है अब गठबंधन पुराना तोड़कर नए गठबंधन के साथ आने के लिए नीतीश कुमार तैयार हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक नीतीश कैबिनेट में शामिल भाजपा कोटे के मंत्रियों को अब बर्खास्त किया जा सकता है। पहले आपको बता दें कि बीजेपी के जो कोटे के मंत्री थे वो इस्तीफा देने के लिए जा रहे थे राज्यपाल के पास, लेकिन बाद में बीजेपी ने अपनी स्थिति जो है वेट एंड वॉच की रख ली और उसके बाद बीजेपी ने कहा कि जब नीतीश कुमार कोई कदम उठाएंगे उसके बाद हम अपना जो है एक्शन जो भी अपना प्लान है वो बताएंगे और अपना अगला जो है पैतरा वो आजमाएंगे। लेकिन अब जब नीतीश कुमार ने खुद ये सारा ऐलान कर दिया है तो ऐसे में बीजेपी की एक और किरकिरी होती नजर आ रही है, क्योंकि अगर पहले बीजेपी के नेता जाकर खुद इस्तीफा दे देते तो इतनी ज्यादा मुंह की नहीं खानी पड़ती, लेकिन अब बीजेपी के नेताओं को बर्खास्त किया जाएगा और सीएम नीतीश कुमार उनको बर्खास्त करेंगे। वहीं राज्यपाल को मुख्यमंत्री इस संदर्भ में भी पत्र सौंप सकते हैं, क्योंकि नीतीश कैबिनेट में वर्तमान में भाजपा कोटे के 16 ही मंत्री हैं जिसमें 2 डिप्टी सीएम भी हैं। वहीं फ्लोर टेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयारी भी हो चुकी है। गठबंधन टूटने के बाद नीतीश कुमार अब फ्लोर टेस्ट कराने की भी तैयारियों में है। सूत्रों के मुताबिक सभी विधायकों को पटना में अगले 72 घंटों तक रहने का निर्देश दिया गया है। जदयू के पास बिहार विधानसभा में 45 विधायक है। पिछले साल बजट सत्र में विधानसभा में हुए भारी हंगामे और विपक्षी विधायकों द्वारा स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के साथ किए गए दुर्व्यवहार मसले पर विधानसभा की आचार समिति की सिफारिश के आधार पर 14 विधायकों की सदस्यता पर तलवार लटकी हुई है। राज्य में जारी सियासी गतिविधि के बीच इस मसले पर भी फैसले लिए जाने की आशंका व्यक्त की जाने लगी है। दरअसल आचार समिति के सिफारिश अभी स्पीकर के स्तर पर विचाराधीन है। उस रिपोर्ट में क्या कार्रवाई की अनुशंसा की गई है यह सदन पे पेश होने पर ही पता चलेगा। पर सूत्रों की अगर हम माने तो 14 आरोपी विधायकों की सदस्यता जाने का खतरा बरकरार है। जेडीयू और बीजेपी के बीच रिश्ते बिगड़ने की जो चर्चा है वो पटना से लेकर दिल्ली तक की मीडिया और सियासी गलियारों में पिछले 3 महीने से ही चल रही थी और आखिर में यह साबित हो गया कि अब गठबंधन नहीं चलने वाला है। वहीं आपको बता दें सोमवार को ही ये खबर आई थी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार से बात की और बिहार बीजेपी के भी कई नेता मुख्यमंत्री से मिले थे। ये भी खबर आई थी कि नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी फोन पर बात की है। आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी और जदयू की राय पहले भी अलग हो चुकी है। 2013 में नरेंद्र मोदी को एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद नीतीश एनडीए से बाहर निकल आए थे और उन्होंने महागठबंधन के दलों आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाई थी। 2015 का विधानसभा चुनाव उन्होंने महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन 2017 में नीतीश फिर से एनडीए में वापस लौट आए। 243 सदस्यों वाली बिहार के विधानसभा में अभी 242 विधायक है। अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता खत्म की जा चुकी है। वहीं आरजेडी के पास आपको बता दें 79, बीजेपी के पास 77, जेडीयू के पास 45, कांग्रेस के पास 19 और सीपीआई के पास जो है 12 और एआईएम के पास मात्र 1, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पास 4, सीपीएम के पास जो है 2, सीपीआई के पास 2 और निर्दलीय विधायक हैं।
सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों की जरूरत है तो नीतीश कुमार और आरजेडी के साथ आने से बन जाएगी। इसके बाद कांग्रेस और वाम दलों का समर्थन भी इस सरकार को मिलेगा क्योंकि महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल भी शामिल है। वही बिहार की राजनीति में यह साफ है कि नीतीश कुमार जिस ओर जाएंगे सरकार उसी की बनने वाली है। नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ आते हैं तो एनडीए की सरकार बन जाती है और जब महागठबंधन के साथ जाते हैं तो महागठबंधन में शामिल दल राज्य में सरकार बनाते हैं। अगर नीतीश कुमार एक बार फिर महागठबंधन के साथ आए हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यह बड़ा राजनीतिक उलटफेर साबित होगा और निश्चित रूप से इसका असर बिहार के साथ ही साथ देश की राजनीति पर भी पड़ने वाला है क्योंकि पीएम पद के उम्मीदवार जो है नीतीश कुमार के नाम पर भी चर्चाएं और जो है सुर्खियां बननी अब शुरू हो गई हैं। वहीं जेडीयू ने रविवार को इस ओर भी संकेत कर दिया था कि नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश रची जा रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए यह कहा था कि कोई षड्यंत्र चलने वाला नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान मॉडल इस्तेमाल किया गया था और दूसरा चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि वो आगे बताएं कि षड्यंत्र कैसे कैसे हुआ और कहां कहां हुआ, ये सब बताएंगे लेकिन वक्त आने पर। फिलहाल बिहार की राजनीति में जो बड़ा उलटफेर देखने को मिला है उसके बाद अब 2024 की जो टक्कर थी उसमें कई और बड़े उलटफेर होने के आसार नजर आने वाले हैं। फिलहाल बिहार की इस दिलचस्प राजनीति से जुड़ी सारी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। नेशन 360 के साथ लगातार बने रहिए। जय।